डॉक्टर साहब ने सब में महत्व की बात ये बताई है कि 63 स्पाइसेस में से चार की स्पाइस को छोड़ दिया गया तो 59 स्पाइसेस विदर्भ रीजन में हो सकती है। ये आपको हमको आज तक शायद नहीं मालूम था। ये अथॉरिटी है और अथॉरिटी ने इसको बता दिया है कि विदर्भ में ये चीज हो सकती है। दूसरे साल में हम आपको खेत दिखाना शुरू करेंगे, तीसरे साल में हम आपको प्रोडक्शन दिखाना शुरू करेंगे, यहीं पर वो भी उन्होंने बताया है। 40 से 50 दिन जो विदर्भ का आपका हमारा जो वेदर है, टेम्परेचर है, हॉट टेम्परेचर है, वो सेम कंडीशन कर्नाटका के कुछ इलाकों की है। उन्होंने ये कहा है कि आप काश्तकारों के साथ उन एरिया को विजिट कर सकते हो, देख सकते हो कि सेम क्लाइमेटिक कंडीशन में वहां पे स्पाइसेस होती है। साथ ही में उन्होंने ये भी बताया कि काली मिरी लगाने के लिए सिर्फ महोगनी ही नहीं तो अपनी ड्रमस्टिक चौबा उस पर लग सकता है, कटाल जैकफ्रूट पनस उस पर लग सकता है, मैंगो आम उस पर लग सकता है, और हत्ती के जो झाड़ आपने हमने अगस्ती रेटी उस पर भी कालीगिरी लग सकती है और वो लगाना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जहां पे सिर्फ 3 इंच, 6 इंच और 9 इंच बरसात थी वहां पर भी काली मिरी का उत्पादन अच्छी तरकीब से हुआ था। नई चीज उन्होंने बताई, जब तो आपको हमको लगता था कि काजू तो सिर्फ कुंकण और कोस्टल बेल्ट में होता है, मगर डॉक्टर साहब ने बताया है कि जहां आम होता है वहां काजू हो सकता है और यहां पे काजू अच्छी तरह से होगा, ऐसा उनका स्पष्ट मत है। साथ में उन्होंने ये भी नई चीज बताई कि यहां पर लीची का उत्पादन हो सकता है। नई चीज बताई कि जायफल और जावित्री भी यहां पर बहुत अच्छी तरह से हो सकती है और धान की जो खेत है हमारी उसकी बंदी के ऊपर दालचीनी और तेज पत्ते की लागवड़ हो सकती है। ये मैं समझता हूं आज तक के विदर्भ के किसानों को ये चीज की मालूमात नहीं थी। डॉक्टर साहब की वजह से आज हमको ये चीज पता लगा। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि सिर्फ कोस्टल बेल्ट और कर्नाटक के अंदर ही गरम मसाला का मार्गदर्शन उन्होंने नहीं किया, बल्कि हिंदुस्तान के 14 राज्यों के अंदर जाके उन्होंने गरम मसाले की लागवड़ करने का मार्गदर्शन उन्होंने किया है। सक्सेस स्टोरी बोले बहुत अच्छी अच्छी बातें मुजफ्फर साहब ने बोली, लेकिन अच्छी बात वो सिर्फ किसान कर सकता है जब उसको वो सक्सेस होता है, ये उनका मानना है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे एक मॉड्यूल डेवलप करेंगे। मुझे उन्होंने जो सजेशन दिया है मैंने उसे एक्सेप्ट किया है। 5-10 एकड़, 3 एकड़ जितना एरिया वो बताएंगे मैं एक मॉड्यूल उनके मार्गदर्शन में हम यहाँ पे तैयार करेंगे ताकि विदर्भ के सारे किसानों को स्पाइसेस का एक रेवोल्यूशन, एक क्रॉप पैटर्न चेंज करने की एक अपॉर्चुनिटी आपके मार्गदर्शन में हमको मिलेगी। डॉक्टर साहब से, हेमंत चौहान साहब से और सलीम सैयद साहब से जो भी किसान सवाल पूछना चाहते हैं, अभी आशीष जायसवाल साहब 2 शब्द बोलेंगे और अध्यक्ष भाषण कामले जी करेंगे, उसके बाद लंच ब्रेक होगा। एक तरफ प्लेट्स उस तरफ भी रखी गई है, प्लेट्स इस तरफ भी रखी गई है। लंच ब्रेक के बाद तुरंत एक 10 मिनट में जिसके भी सवाल होंगे वो सामने आके बैठ जाइएगा, तो सलीम भाई, हेमंत चौहान और डॉक्टर साहब उनके सवालों का जवाब देंगे। उसके बाद में जिनको महोगनी आम लेमन का प्लांटेशन देखना है वो हमारे विपिन भाई है, उनके साथ में उस प्लॉट के ऊपर जा सकते हैं, डॉक्टर साहब उनको ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको गन्ना जीवा अमरूद धनजीवा अमरूद उसकी व्यवस्था देखनी है, नेता फैम का जो इंस्टॉलेशन और सिस्टम हमने बिठाया है जहां पे गाड़ी की पार्किंग रखी है वहां आप जा सकते हैं, नेता फैम के लोग वहां पर है वो आपको बताएंगे और वहां पे गन्ना और धान की फसल वो आप देख सकते हैं। उसके और आगे जाकर के बाबू बालकुआ जो हमने लगाया हुआ है उसकी प्लांटेशन भी आप देख सकते हैं। सैयद साहब, सलीम साहब अगर आपके साथ वहां पर ज्वाइन होंगे तो निरव आप सैयद सलीम साहब के साथ में गन्ना और बैंबू के प्लांटेशन तक के जा सकते हैं, जो किसान उस तरफ जाके वो चीज देखना चाहते हैं। संतरा मौसमी सीताफल के खेत में आप और हम बैठे हुए ही हैं, तो ये इस तरह से अपना काम कार्यक्रम का जो समारोह होगा वो उस तरह होगा।